तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के फिजिक्स मॉड्यूल और बायजूस के फिजिक्स मटेरियल स्टडी मटेरियल के बारे में। उनमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन बेस्ट है कौन नहीं। हालांकि मैं बोलूं आपको बेटा, बेस्ट सभी हैं। पढ़ाई आप कहीं से करो, बेस्ट है। लेकिन बात होती है सर, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत सी चीज़ अफर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगी महंगी फीस, महंगी महंगी किताबें नहीं ले पाते हैं। तो आज हम देखेंगे, पहले हम बात करते हैं बेटा थोड़ा बायजूस की। आप देखेंगे जब हम बायजूस का पूरा पैक ख़रीदते हैं, जिसमें कि आपका सिलेबस होता है, स्टडी मटेरियल होता है, पूरा कोर्स होता है, उसमें टीचर्स पढ़ाएंगे आपको 2 साल तक, और काफ़ी महंगा कोर्स है। एक मिडिल क्लास पर्सन बच्चा तो नहीं कर सकता है, मैं आपको सही बताऊँ लिटरली, क्योंकि 60-65 हज़ार रुपये का, हालांकि वो 2 साल का होता है, लेकिन फिर भी एक साथ 60-65 हज़ार रुपये एक मिडिल क्लास का बच्चा या फिर गरीब बच्चे नहीं दे सकते। ये देखिए इनकी बायजूस की, इसमें बायजूस द लर्निंग ऐप लिखा हुआ भी है, इनका बुक है, और ये बी एम शर्मा जी की बुक है, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक होती है बेटा ये। और अगर आप इस बुक को देखते हैं जो 12th वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, अभी 12th की ही मटेरियल यहाँ रखा है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स वाला सर का भी मैं 12th का ही मटेरियल खोल के दिखाऊंगा आपको। तो बेटा ये इसमें जो है आप देखेंगे थ्योरी डिटेल्ड में दे रखी है, जैसे आप अपनी किताब पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही है पूरा अच्छे से। ये देखो अब इसमें मज़े की बात क्या है बेटा, इसमें बायजूस के आपके स्टडी मटेरियल में अब बात कर रहा हूँ, इसमें एग्ज़ाम्पल बहुत दे रखे हैं, 3D वाले एग्ज़ाम्पल भी अच्छे से समझा के दिखा रखे हैं, बता रखे हैं। और फिर एक क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ वाले, रिंग दे रखा है इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और फिर आप ऐसे देखेंगे आगे बहुत क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो CBSE में भी एक दफ़ा आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं अगर आप देखेंगे तो बेटा, बहुत ही सारे हैं। अच्छा फिर देखेंगे आप, ये देखिए कितनी आंसर की भी दे रखी है इसमें, खास कर JEE मेन, JEE एडवांस के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 8 और ये 2 2 नहीं, ये कितने हैं, 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, मैट्रिक्स टाइप, मतलब सब कुछ दे रखा है JEE की तैयारी कराने के लिए, बढ़िया ये बुक मैं कहूँगा। अब देखिए थ्योरी बिल्कुल डिटेल्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बिल्कुल अच्छे से बता रखा है, फील्ड लाइंस दिखा के, सरफेस को टिल्ट करके भी दिखा रखा है, पूरा अच्छे से इसने बता रखा है। ओके चलिए, तो ये तो बेटा इसकी बुक है, और देखिए कितनी मोटी बुक है ये। अभी इसमें क्या पोर्शन हम कवर करते हैं सर, इसमें आपकी बेटा आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसमें 2 यूनिट आपकी लेते हैं ये। इसके बाद इनकी सेकेंड बुक आप देखेंगे, वैसे ही है, थोड़ी पतली है ये, मैग्नेटिज्म और EMI थोड़ी पतली है उसके मुकाबले, थोड़ी सी पतली है, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत बुक में तो एरर होती ही है प्रिंटिंग वगैरह में। चलिए ये इनकी है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब ऑप्टिक्स की जब बात करते हैं तो ऑप्टिक्स से बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट होता है, तो देखें ये मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स आगे रही होगी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये ऑप्टिक्स के क्वेश्चन दिखा रखे हैं इन्होंने, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, थ्योरी बहुत दे रखी है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी है मैं आपको बताऊं। और इनकी खासियत क्या है बेटा, इनकी बुक के साथ ये देते हैं आपको DPP, ये DPP मिलती है आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और JEE मेन और एडवांस को दिमाग में रख के बनाई गई है, JEE मेन और एडवांस को रख के दिमाग में रख के ये बनाई गई है DPP, मतलब DPP मतलब सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप लोग डेली करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ओके, आपने पहले दिन कुछ चैप्टर पढ़ा, तो पहले दिन की DPP 1.1 कुछ क्वेश्चन हैं, ये कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 14 प्रश्न इसमें दे रखे हैं, 14 यानी 14 प्रश्न हैं। फिर ऐसे ही DPP 1.2 चैप्टर 1 का, अब ये कुलाम्स लॉ पे बेस्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से DPP इसमें देते हैं साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये है, मैग्नेटिज्म की ये है, हर एक की मिलती है। ऑप्टिक्स की बहुत पतली सी है, ऑप्टिक्स की बुक मोटी है लेकिन DPP पतली है, DPP सबसे मोटी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये बेटा बात है आपकी बायजूस के मटेरियल की, मैं बताऊँ आपको बायजूस के मटेरियल की बात, ये आप बुक देख पा रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि ये फिजिक्स वाले का कंप्लीट 12th फिजिक्स है, कंप्लीट 12th फिजिक्स, जिसमें कि इनके 4 मॉड्यूल हैं और एक इनका एक्सप्लेनेशन छोटी सी बुक है। अब आप देखें, अगर आप इनकी थिकनेस देखें मोर लेस सेम ही है, इसकी सिर्फ ऑप्टिक्स और मॉडर्न इसकी कंप्लीट फिजिक्स के बराबर है। बच्चों को डाउट है कि क्या सर ये पूरा मटेरियल दे रहे हैं, क्या ये सर अलग सर पूरा मटेरियल दे रहे हैं, हाँ या ना, आंसर है हाँ।
आपको यकीन नहीं आएगा जब आप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला ही खोल के दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा बेटा। आप देखो मैं बोल खोल के दिखाता हूँ आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इनका, ठीक है, फिजिक्स वाला का ये पब्लिकेशन बन चुका है, ये इनको बहुत बहुत बधाई। और देखो आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरी थ्योरी दे रखी है, पूरी थ्योरी, मेथड ऑफ चार्जिंग भी दे रखे हैं, सोच के देखो आप। इसका मतलब है इन्होंने थ्योरी पे भी दिमाग लगाया है, लेकिन थ्योरी भर भर के नहीं दी, भर भर के नहीं दी उतनी जितनी काम की। और देखिए वो ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा था, रिंग वाला ग्राफ है, सेम टू सेम देखिए सब कुछ वैसा ही कुछ है। अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं बेटा, ये बुक नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक नहीं है, ये मॉड्यूल है। बुक और मॉड्यूल में फ़र्क होता है। ये आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए है ना, या फिर आप जैसे ऑनलाइन आपने इनका खरीद रखा, और बहुत सस्ते इनके रेट हैं बेटा, बहुत ही सस्ते रेट हैं इनके। आपने इनका आप अपना पढ़ भी रहे हैं, आपने इनका कोर्स खरीद रखा है, और साथ में आपका सिलेबस भी आपको मिल जाता है मॉड्यूल, तो आपको ये ऑफलाइन का फील देते हैं, ऑनलाइन में उनके जो कहना है। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वन, और देखिए कुछ एच सी वी से क्वेश्चन ले रखे हैं, हरीश चंद वर्मा सर की बुक से क्वेश्चन है, कुछ कुछ डी सी पांडे सर के, मतलब क्वेश्चन तो वही होते हैं है ना, लेकिन उनको कैसे अरेंज करना है। देखिए पहले एक्सरसाइज वन हो गई आपने, ये भी एच सी सर का क्वेश्चन है, एच सी वर्मा सर की बुक का। और फिर देखिए एक्सरसाइज टू आ गई है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए फिर ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, बायजूस ने जहाँ एक ग्राफ के जैसे कॉन्सेप्ट है उस पर कई क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि बच्चे की प्रैक्टिस मजबूत हो जाए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। इन्होंने हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दे रखे हैं, दो दो तीन तीन चार चार दे रखे हैं, और जो कि मैं समझता हूँ ठीक है, उससे बच्चे की प्रैक्टिस होती है। क्यों, अब देखें आप, इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं मारा, मगज मारी बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना, मटेरियल इतना धांसू है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये पूरा है, इसके बाद आप देखें एक्सरसाइज टू हो गई, और ये एक्सरसाइज थ्री, और ये देखिए स्टेबल अनस्टेबल, मतलब कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इन्होंने क्या लिया है, डाइपोल के दे रखा है इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल लाइन पे दे रखी है इन्होंने, ठीक। एक्सरसाइज थ्री हो चुकी है, फिर इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन, देखो एग्जैक्टली बेटा यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बायजूस के उसमें भी था, है ना। और मैं बताऊँ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो वही है, क्वेश्चन भी वही बनेंगे। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अब इधर जाकर पलटते हैं हम, अब इसमें जो एक्सरसाइज फोर इनका पार्ट आता है वो होता है, देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी रखे हैं। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इसमें ये जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं, जेई मेन के क्वेश्चन दे रखे हैं। हालांकि गलती से इसमें मैग्नेट का आ गया है, और ये मैं देख रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया है, वो हो जाती है कोई बात नहीं। लेकिन देखें आप ये देखिए, पिछले सालों में आए हुए पेपर्स पे क्वेश्चन दे रखे हैं, बच्चे को आइडिया मिल जाए कि साइकोलॉजी कैसी है पेपर बनाने वाले की। देखिए बहुत सिंपल, अगर आप एच सी वर्मा सर की बुक कोई पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहीं से लग जाते हैं, और ये एडवांस एडवांस के, हाँ एडवांस का क्वेश्चन है ये, एडवांस ये क्वेश्चन तो मेरे समय भी आया था। तो आप देखेंगे बेटा ये देखिए कैपेसिटेंस पूरा दे रखा है थ्योरी में, देखो मैं फिर से बताऊँ भर भर के थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी में कुछ छोड़ा भी नहीं है। आप देखो डायलेक्ट्रिक के बारे में कितना लिख रखा है, पोलर डायलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब कि थ्योरी सारी लिखी है, लेकिन भर भर के ठूंस ठूंस के नहीं, उतना लिखा है जितना पेट भरना है। ज़्यादा ठूंसोगे तो बेटा उल्टी हो जाएंगी, है ना। तो उन्होंने इस हिसाब से बहुत बढ़िया इनका मटेरियल है, मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आपको ये मटेरियल ज़रूर लेना चाहिए बेटा, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो। ये ट्वेल्थ का मटेरियल है इनका, ऐसे ये है, ऐसे ही दूसरा है, देखिए मॉड्यूल टू, इसमें मूविंग, मतलब वही सब चीज़ कर रखी है इन्होंने। देखे टॉपिक्स, ऑप्टिक्स का अलग है इन्होंने, अच्छा इन्होंने मॉडर्न का अलग बना रखा है, उनका मॉडर्न ऑप्टिक्स एक है, और ये बेटा एक्सप्लेनेशन है, सबसे बेस्ट चीज़ इनकी ये है। अगर आप किसी क्वेश्चन में इनकी करते करते एक्सरसाइज में अटक जाते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने पूरी अपनी ये दे रखी है। आप देखिए जैसे ये है, आप किसी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में मान लीजिए उसमें ऑप्शन ए का ये वाला होगा मैचिंग वाला, ए का पी, बी का क्यू, और एस, सी का एस, डी का पी आर एस, तो ये दिखा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है क्यों क्यों, ये रीज़न दे रखा है इन्होंने। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज सेकंड, एक्सरसाइज फोर के भी होंगे, फोर के भी हैं बिल्कुल हैं, ईएमआई के हो गए। तो देखिए इन्होंने सब एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखी है, अगर आप किसी क्वेश्चन को करते समय फंस जाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेटा, आप इसको तो बाद में ही देखें, आप पहले करें क्या, आप पहले इसका कोई भी एक्सरसाइज निकालें जब आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हों। और इसमें खूब सारे एग्जांपल भी दे रखे हैं बेटा पहले। अब देखो जैसे आपने एक्सरसाइज निकाली, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये आ रहा है, आप पीछे देख रहे हैं आंसर की में, ऐसी गलती मत करना बेटा, मैं पहले भी कहता हूँ, पहले सारे क्वेश्चन कर लो, एक पेज पर लिखते चलो,
23rd का आपने लगाया थर्ड, 24th का फर्स्ट, 25 का सेकंड, 26 का फर्स्ट, 27 का थर्ड, 28 का फर्स्ट, बाद में आप अपने आंसर चेक करें। इससे फ़ायदा होता है बेटा, एक तो आपको अगर आप पीछे देखते ना, अगर आप एक एक करके देखें पीछे, तो आपका क्या होता है, दिमाग दूसरे आंसर को अपने आप ही पकड़ लेता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप करेंगे अपने आप ही आप आगे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा आप मेरा एक थोड़ा सा सजेशन मानना कि एक तो आप इसको तो मैं कहता हूँ ले ही लो बेटा, जितने कम दाम में सर दे रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे ताकि ये बच्चों का बहुत अच्छा भला कर सकें, बहुत बढ़िया थिंकिंग इनकी, बहुत सस्ते दाम में है बेटा इनका ये। और मैं बताऊँ ये सिर्फ फिजिक्स का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों 12th क्लास का मटेरियल मिलके, ये मॉड्यूल मिलके कंप्लीट 1300 में, सिर्फ 1300, 1300 रुपये। अगर आप हर महीने के 100 रुपये लोगे और कहीं से कोई 100 रुपये और दे दे, बुआ चाचा, आप इस मटेरियल को मंगा सकते हैं बेटा। और आपकी 12th क्लास IIT की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब सर IIT की तैयारी में सिर्फ 12th का तो आएगा नहीं, 11th का भी लेना होगा। हाँ आप लें 11th का, 11th का आई थिंक 1900 या 1800 प्राइस है, आप देख लीजिएगा इनकी वेबसाइट पर, पीछे इसमें दे भी रखा होगा इनकी वेबसाइट वगैरह क्या है, ये देखिए दे रखा है सब। ये इनकी वेबसाइट है, ये इनका प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप, ये इनका यूट्यूब चैनल है और सभी जानते हैं इनको, क्या कहना है इनके बारे में। तो आई होप आपको बेटा कुछ इससे आइडिया मिलेगा कि कौन सा मटेरियल खरीदना ज़्यादा सही है, क्योंकि देखो आप बुक को मॉड्यूल से कंपेयर नहीं कर सकते। बुक जो आपकी मैं दिखा रहा था यहाँ पर, BM शर्मा सर की बुक, ये बेटा इसका एक अलग मतलब रीज़न कह सकते हो आप, या इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। बुक बहुत समय है, खूब सारा पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो बुक, JEE की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, आप मॉड्यूल खरीदो सबसे बेस्ट है। और मैं बताऊं लेकिन इन बुक्स को खरीदने में आप बेटा बहुत पैसे खर्च करेंगे, 60-70 हज़ार रुपये का अगर आपको मटेरियल और वो सब मिलता है तो बेकार मैं समझता हूँ। एक गरीब फैमिली के लिए, हम जैसे मिडिल क्लास गरीब फैमिली के लिए वो बहुत सही नहीं है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मात्र 1300 रुपये में आपके ये 12वीं का मटेरियल आ गया, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी। ये नहीं कंटेंट ख़राब है, कंटेंट ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर आप मन बना रहे हैं लेने का तो मेरी तरफ से मैं बताऊं आप आंख बंद करके बेटा ये ले लीजिए, आंख बंद करके, बहुत बढ़िया मटेरियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब है, मैं बायजूस का ये मटेरियल ख़राब नहीं कह रहा, लेकिन ये कॉस्टली है बेटा, ये कॉस्टली है मटेरियल, ये भी जानदार है लेकिन कॉस्ट वाइज देखें बहुत बेहतरीन मटेरियल है, बहुत बेहतरीन। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लोगों ने मुझे देखा तो नहीं, सुना, झेला, लेकिन ये मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ बेटा, इसको ले लीजिए आप। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।